Today I will tell you how to print 20 terms of Fibonacci series. क्या आप जानते हैं Fibonacci series किस लिए यूज होती है? ये business purpose के लिए यूज होती है और first two term add होके third term बनाता है. जैसे a equals to 0 है, b equals to 1 है, तो ये first two term होंगे और third term create होगा जब हम इन दो value को जोड़ देंगे और उसके बाद a में b और b में c डाल देंगे तो हमारी सीरीज बनती जाएगी जहाँ तक हम चाहेंगे. हमने 10 टर्म तक के लिए इसको बोला है कि सीरीज को क्रिएट करो, तो प्रोग्राम बनाया सीरीज लाइक 0, 1, 1, 2, 3, 5 n तक. प्रिंट Fibonacci सीरीज. अब हम Fibonacci सीरीज प्रिंट करेंगे. a इक्वल्स टू 0 प्रिंट है तो पहला टर्म 0 प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट b इक्वल्स टू 1 दूसरा टर्म 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर हम वाइल का लूप चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक कि 10 टर्म तक नहीं हो जाएगा. तो c इक्वल्स टू a प्लस b और प्रिंट c करेंगे तो थर्ड टर्म 1 प्रिंट हो जाएगा. अब a में हम b डालेंगे, b में क्या है 1 है और b में c डालेंगे, c में क्या है 1 है. तो ये देखिए a b c हुआ, सी में 1 है तो थर्ड टर्म क्या, फोर्थ टर्म क्या बन जाएगा, 1 + 1 = 2 क्योंकि ए में अब 1 हो चुका और बी में 1 हो चुका है. तो जब ऊपर फिर से जाएगा वाइल लूप में तो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा. फिर 1 और 2 ऐड करेगा, फिर ए में 1 और बी में 2 हो जाएगा. अब ये दोनों जब जुड़ेगा तो 3 प्रिंट होगा. फिर ए में 2 और बी में 3 हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा. इस तरह से Fibonacci सीरीज आगे बढ़ेगी. अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं. ये देखिए आपकी सीरीज जो है, ये पहले क्या आया, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, अब 3 और 5 जुड़ के 8 आया, फिर 8 और 5 जुड़ के 13 आया. तो इस तरह से 10 टर्म तक हम लोग ने Fibonacci सीरीज को क्रिएट किया. आज हम कई प्रोग्राम आपको बताएंगे ये Fibonacci सीरीज आपका इस तरह से पाइथन में बन जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर Fibonacci सीरीज. नेक्स्ट आई विल टेक अनदर प्रोग्राम. थैंक यू. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. And also ask the question about this program. इस program के regarding अगर कोई problem है आपको तो उसको आप फिर से comment में पूछ सकते हैं. Please comment कीजिए और हमको advice करिए. आप बताइए कि कैसा program बन रहा है और आप लोग को क्या question करना है, क्या नया चीज़ सीखना है Python में. Thank you viewers.